वेलकम माई सोल फैमिली, देखते हैं आने वाले 72 आवर्स में, मतलब आने वाले 3 दिनों में आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेगी। ये फुल मून स्पेशल रीडिंग है और ऑल साइंस, ऑल जेंडर्स और ऑल रिलीजन्स के लिए रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रीडिंग से मदद मिले। आज का लव रीडिंग मैं शुरू करती हूँ। मैंने कार्ड्स को शफल करके बॉटम ऑफ द डेक साइड पे निकाल लिया है और बाकी पूरे डेक को रैंडम पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में 2 सिचुएशंस है, एक तरफ आप हो और दूसरी तरफ उनकी फैमिली हो सकती है, या एक तरफ आप और दूसरी तरफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, उनका करियर हो सकता है। और इसी जगलिंग की वजह से आपके पार्टनर ने आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट आज तक दी नहीं है, वो कोई मेजर डिसीजन आपके रिलेशनशिप के लिए ले नहीं पाए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मतलब अभी आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में है। जो भी जगलिंग चल रहा है, जो 2 सिचुएशन उनकी लाइफ में है, कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है या कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, वहां से वो क्लियरली मूव ऑन करेंगे। पहले शायद आपके पार्टनर ने किसी बर्डन की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको होल्ड पे रखा और खुद को भी सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अभी वो सेल्फ लव की एनर्जी में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। जो भी 2 सिचुएशन में वो जगल कर रहे थे, वहाँ पे वो दूसरी सिचुएशन, मतलब थर्ड पार्टी इशू होगा या कोई नेगेटिव साइकिल होगा, एक तो वो पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे या वहाँ से क्लियरली मूव ऑन कर लेंगे। और ये वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, वो आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये लव रीडिंग मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है, तो किसी वजह से आप दोनों में सेपरेशन पीरियड चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई पॉजिटिव जेस्चर कर सकते हैं। आने वाले 3 दिनों में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके सामने आने वाले 3 दिन में उनके ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो लोग जिनकी बात हो रही है लेकिन जिनको अभी तक प्रॉपर डिसीजन या कमिटमेंट नहीं मिला है, उनको यहाँ पे एक सॉलिड कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, मतलब अभी तक आपने ही एफर्ट डाले हैं, तो आपके पार्टनर भी उतना ही एफर्ट आपकी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए डालना चाहते हैं। और उनके ये एफर्ट आने वाले 3 दिन में आपको दिख भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे विश कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पे रियूनियन के 2 कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को मैं क्लेरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ कप्स के लिए चैरियट का कार्ड आया है, मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ एक क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन लेने वाले हैं। कोई इश्यूज की वजह से आपके पार्टनर ने आपको वेटिंग पे रखा है, तो यहाँ पे आपको आपकी लव लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉर्ट आउट हो गई है, ऐसा आपके पार्टनर आपके साथ शेयर कर सकते हैं आने वाले 3 दिनों में। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूँगी। पेज ऑफ कप्स के लिए स्टार कार्ड आया है, मतलब आपके पार्टनर आने वाले 3 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे और आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करेंगे। आप शायद वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे, या कम से कम एक पॉजिटिव जेस्चर तो आपकी तरफ करे, तो आपकी ये विश यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं कि उन्होंने आपको कितना मिस किया और आपकी रिलेशनशिप के लिए उन्होंने क्या एक्शन लिया और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया, क्योंकि यहाँ पे एक गुड न्यूज़ की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है।
और रीयूनियन की भी एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी लव लाइफ को लेके वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। थर्ड पार्टी इशू होगा या कोई फाइनेंशियल या करियर से रिलेटेड कोई इशू होगा तो यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में डिले हो रहा है तो वो खत्म होंगे और आपकी लव लाइफ में एक अबंडेंस ग्रोथ यहाँ पे आते हुए दिख रही है। आज का रीडिंग मैं यही खत्म करती हूँ। एनर्जी जिनके साथ रेजोनेट करेगी या जिनका अभी ये 3-4 दिन में रीयूनियन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप ड्रीमिंग एंड स्टे होपफुल फॉर टुमारो। कल मिलती हूँ और एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।